निधिध्यासन के 15 जो अंग है उसमें से हम लोग यम नियम त्याग मौन यहां तक देखा था और अभी हम देश के बारे में देखेंगे। मौन के लिए उन्होंने 3 श्लोक लिया। मौन कैसे समझे, मुनि के भाव, मुनि के जो स्थिति, मुनि के जो अवस्था है। मुनि कौन है ना, जो मनन करने वाला है। ये मुनि नहीं है जिसको हम कोई दाढ़ी रख रहा हो और जटा रख रहा हो और विभूति लेकर के बैठा हुआ, देखो कितना बड़ा मुनि बैठा है। नहीं, अगर वो ब्रह्म के बारे में मनन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मुनि नहीं होंगे। समझिए, इस प्रकार के तो भूत दिखाई देते हैं। उसमें विशेष करके कुंभ मेला में अलग अलग रहेंगे वो, क्योंकि कुंभ मेला क्या है, शंकराचार्य के समय में था, इसीलिए तो बहुकृत वेश काशायंबर कुदी कहा। तो ये उसी समय भी था। नारद परिव्राजक उपनिषद में भी वर्णन है, अनेक उपनिषद में भी वर्णन है, जो केवल रंग वस्त्र पहन लेने से मुनि नहीं होता है। मननशील, मनन किसका करना है, ओनली ब्रह्म का। जो ब्रह्म के मनन करके एक स्थिति प्राप्त कर लिया वो है मौन। स्टार्टिंग में आवश्यक साधक के लिए, जब बातों से विक्षिप्त होता है मन, तो फिर कम से कम बात करो। साधना के लिए फिर उसी जो एनर्जी जाती है ना, वो एनर्जी इसमें डालना।
वक्ता लोगों को तो मौन बहुत जरूरत है। वो हमारे जो अभी आचार्य हैं स्वामी अभयानंद, वो बता रहे थे शायद उनको लेकर के, हमारे मुरारी बापू को लेकर के कहीं जाना था, तो बस उन्होंने प्रणाम किया और ये आगे बैठे कि आई डोंट नो, और वो पीछे बैठे थे, एक बात तक नहीं किया। 3-4 घंटा का रास्ता था, उसमें स्वामी जी भी वक्ता है, ये भी वक्ता है, तो एक बड़ा फंक्शन एक ही कार में रखा हुआ, तो बोल रहे थे बिल्कुल बात नहीं किया। वहां भी बैठे जो प्रवचन दिया, तो इस प्रकार के हैं, ऐसे बहुत संत लोग हैं। उन्होंने एक अनुभव किया, मैंने भी एक अनुभव किया था। मैं एक आश्रम में, पुरानी झाड़ी ऋषिकेश के आश्रम में था, और वहीं पर एक सन्यासी आए मेरे बगल के कमरे, तो वो रात में आए, थोड़ा कुछ ले भोजन भोजन कर लिया, फिर सोचा कि मैं ब्रह्मचारी था उस समय, और एक छोटा सा ही नीचे वाला दुपट्टा ही जो पहनते थे, खाली ऊपर खाली कुछ नहीं पहनते थे, और एक छोटा सा जो झूला है लाल कलर का, उसको लेकर के आया था। तो आश्रम के जो मैनेजर स्वामी जी ने कहा कि एक सन्यासी आए हैं पहाड़ से, वहां पहाड़ बहुत, पहाड़ से आए, पहाड़ माने ऋषिकेश भी पहाड़ नहीं, हमारे लिए ऋषिकेश भी पहाड़ है, उनके लिए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ भी पहाड़, पहाड़ से आए। तो मेरी इच्छा हुई पहाड़ के स्वामी जी को दर्शन करने के लिए, बातें करने के लिए, तो मैं फिर खिड़की उनकी खुली थी, खिड़की से दिखाई दे रहा था, लाइट बंद था, और बाहर के जो रोशनी है वो जाता था, तो वो बैठे थे ऐसे शांत हो, क्या बताऊं मैं आपको आश्चर्य, मैं रात 10:30-11 बजे तक इंतजार किया कि कब ये थोड़ा उठेंगे या लेटेंगे, तब मैं नमस्कार करूंगा, हुआ नहीं। अब मैं सवेरे स्नान किया, सवेरे उठ गया, मेरे अंदर उत्कंठा थी सवेरे मिलने के लिए, और वहां आरती होती थी मंदिर में, तो हमें आरती में भी जाना है, तो वहां आश्रम का नियम है, कहीं भी जाओगे 3-4 चीजें करनी पड़ती है आश्रम का। एक है राइट टाइम में भोजन करना, ये जानना है, यहाँ भी कोई भी आता है ना मैं स्ट्रिक्ट करता हूँ, बुलाना ना पड़े, खुद आके करो अपना टाइम में, और उन लोगों को भी स्ट्रिक्ट करता हूँ कि ठीक टाइम में दो, ये सीखना चाहिए। तो आश्रम में ये रहने तक ये सीखना है। सेकंड है एटलीस्ट आरती अटेंड करना, और जैसे हमारे सिद्धवाड़ी है तो आरती 2 बार होती है, मॉर्निंग और इवनिंग अटेंड करना, तो वहां मंदिर है तो आरती अटेंड करने के लिए सवेरे जाना है। तो फिर मैंने खिड़की था फिर बैठे हुए, इसका अर्थ क्या है, स्नान करके वो एक जो लंगोटा होता है वो सूखा हुआ है उसके अंदर ही, बाहर आने की जरूरत नहीं, उनको सामान तो है ही नहीं, चेयर के ऊपर रहता है, उस चेयर के ऊपर डाल लिया, स्नान किया, फिर मैं 6 बजे देखा, मैं सोचा कि आरती करके आ जाते ये ध्यान करेंगे, फिर आरती करके आए तो मैं जो अध्ययन करता था वो नहीं कर पा रहा, मैं सोचा कि उनको मिलूंगा, वो 8 बज गया फिर भी बैठ गए, क्या है कुछ गड़बड़ तो नहीं मामला, कितना कितने समय तक बैठ सकते हैं कोई, हम ब्रह्मचारी नए नए हैं, 1984-86 से कोर्स खत्म हुआ, 86 के बाद गए सेंटर में, वहीं से 87 में गए थे घूमने के लिए, बस 87 की बात है, तो मैं और उत्कंठ हुई, सोचा कि ब्रेकफास्ट जब आएंगे मैं उनको सेवा करूंगा, मन में मेरा संकल्प हो गया कि इतने बड़े संत हैं मैं उनको सेवा करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट खाया, फिर उनको पूछा जो मैनेजर है वो मुझे पहले जानते हैं बड़ा अच्छे प्यार है, हमने कहा वो जो स्वामी जी आए मेरे पड़ोस वाले वो ब्रेकफास्ट में नहीं आएंगे, पता नहीं, पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं, तो बैठे फिर ढूंढा, फिर 11 बजे तक मैं इंतजार किया, और मैं शायद नींद आ रही है, मैं लेट गया,
फिर बाद में जब देखा 12 बजे 12:30 बजे वो लंच होता है, बस है नहीं, दरवाजा बंद और ताला। फिर मैं मैनेजर को पूछा, बोले वो 12 बजे निकल गए, और भोजन? बोले नहीं, भोजन आज नहीं करना, एकादशी। तो सोचो अगर 5:30 6 बजे तक बैठे थे, 5 साढ़े 5 से पहले 11 बजे होते, पूरा इतना समय तक बैठे थे, कम बात जरूर उसी स्थिति में। तो ऐसे उनको मुनि कहेंगे। तो ये मौनम भी है और उस स्थिति में भी है। अब कहते हैं देश का अर्थ क्या? देश का हम क्या समझते हैं? विज्ञान के अनुसार हम परिभाषा क्या समझते हैं? स्पेस विच एकोमोडेट्स द थिंग्स दैट इज कॉल्ड देश। आकाश, अवकाशम ददाति थे आकाश। अब उस देश को क्या मीनिंग करते हैं? ये जो देश शब्द है इसमें नहीं है, जो अष्टांग प्राणायाम से वो नहीं है, मगर एक टेक्निकल शब्द है। तो वो देश का अर्थ उस आत्मस्थिति के अनुसार करते हैं। 110 आदादंते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजनस्मृतः। जिसमें आदि अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है, अर्थात जिसमें जिस स्थिति में जिस अवस्था में आदि पहले बीच में अब और बाद में कोई जन नहीं है, ये क्या हो समझ में नहीं आ रहा। अर्थात उस अधिष्ठान में कोई प्रपंच नहीं, ऐसे समझ। उस अधिष्ठान में वो एक ऐसा अधिष्ठान है जिस अधिष्ठान में कोई प्रपंच नहीं है, वो उसको कहते हैं निर्जन स्थान। निर्जन बोलते हैं हम लोग भी, अरे एक जगह पर गया था मैं, वहां एक निर्जन स्थान था, कोई नहीं था, अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है, उसको कहते हैं निर्जन स्थान, निर्जन देश। वो कहते हैं इसको देश कहेंगे जिसमें कोई भी नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, आकाश नहीं है। आकाश तो बहुत बच्चा है, फिर आकाश के पिताजी है अहंकार, तामस अहंकार, राजस अहंकार और उसके बाद सात्विक अहंकार। इन तीनों का पिताजी है, पिताजी माने कारण, पिताजी है हिरण्यगर्भ महत्तत्व। फिर उनकी एक माँ वो है प्रकृति। तो प्रकृति में ये सब है, तो कितने स्टेप आ गए, इसलिए आकाश बड़ी बात नहीं है। जिसमें कोई भी नहीं है वो जो स्थान है, वो जो स्थिति, यदगत्वा न निवर्तन्ते। ऐसा कहीं बता रहता है इधर की मणि के कि हिरण्यकश्यपु कहता है मैं ढूंढा बहुत भगवान को, विष्णु को, जिसको तुम लोग भगवान बोलते हो, विष्णु को मैंने ढूंढा, मेरे भाई को मारा है हिरण्यकश्यप, वो मुझसे डर करके कहाँ छिप गया है, और छिप गया है जिस स्थान से वापस नहीं आने वाला, यहां तक ठीक कहा, और मुझे डर करके छिप गया है, मुझे डर करके, ये गलत है, छिप गया ये भी ठीक है, कैसे? गूढ़ उपनिषद में कहते हैं वो गूढ़, गूढ़ माने का अर्थ ही छिप गया है, ये छिपा हुआ है अंदर गूढ़। फिर ऐसे स्थान में जहां वापस नहीं आ सकता, ये भी ठीक ही है, यदगता निवर्तन्ते, उस स्थिति में कोई वापस नहीं आ सकता। आदावंते च मध्ये च जनः यस्मिन् न विद्यते, जिसमें कोई जन नहीं है, जन माने व्यक्ति समझो, प्रपंच समझो, कुछ भी नहीं है, जिससे ये जगत निरंतर व्याप्त है, जिसके कारण ये जगत अगर आभास सिद्ध हो रहा है, ये जगत सुपरिम्पोज हो रहा है, ये जगत दिखाई दे रहा है, कारण कौन है? जैसे एक पर्दा है, इस पर्दा में हम कुछ देख रहे हैं,
अंधारा है मगर फिर भी दिखाई दे रहा है। ये पर्दा सब अंधारा है बाकी सब में अंधारा है, इसमें कैसे होता है? वो प्रोजेक्टर की कमाल है, प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा वो भी अंधेरा है। तो इसी प्रकार कोई एक प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर का नाम है चेतन तत्व। वो चेतन तत्व सारा जगत में व्याप्त है और चेतन तत्व को नहीं देख पाते, प्रोजेक्टर को नहीं देखता है मनुष्य। देखता कहाँ? ना जहां वो फोकस हो गया है और वो फिल्म माने पर्दा में जो है फिल्म बनाई गई प्रोजेक्टर के अंदर, उससे वो देखता, वो देखता। इसी प्रकार ये जो चेतन है वो चेतन सब में व्याप्त है, दिखाई देता ही है जगत। उस चेतन तत्व सत्ता को कहते हैं देश। वही देश जनशून्य कहा गया है क्योंकि उसमें कोई नहीं है, विजन है। हिंदी में कहते हैं विजन भूमि, विजन में विजन नहीं, वी आई एस आई ओ एन, विजन को नहीं, विजन, विजन माने जिसमें विगत जना कोई जन व्यक्ति नहीं है ऐसे। अच्छा आचार्य जी हाँ बताओ क्यों, तुमको क्या प्रश्न प्रॉब्लम हो गया? ना प्रॉब्लम हो गया, ये देश काल वस्तु ऐसे हम समझे थे देश को, देश माने आकाश, काल माने टाइम, वस्तु माने पदार्थ, ऐसे समझे थे देश काल वस्तु। और आइंस्टाइन एक हुए हैं आचार्य जी, वो आपके बाद हुए। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि ये जो जगत है ना वो देश और काल के सीमित में है। उन्होंने एक सूत्र बताया क्या, E=mc², वो अपेक्षक है। टाइम एंड स्पेस, एक शब्द का फ्लक्स, तो ये समझ में आ रहा है। और आप उससे परे भी बोल रहे हो ना, हाँ ठीक समझे, तो अच्छा लड़का है, अपरोक्षानुभूति सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया। तो देश और काल से जो परे एक स्थिति है ना, जो अवस्था है, उसको यहां पर कहते हैं देश। और इसको जो देश बोलते वो तो उधर का नाम इधर लेके आया गया है। ओ ऐसे ओरिजिनल देश तो वो है अमरवा देश, कबीरदास जी लिखते वो अमरवा देश है, वो अमर देश ऐसे। ठीक है आप बोलते हो तो मान लेते हैं। अब काल सुनो क्या है, काल की परिभाषा सुनो। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टः अखण्डानन्दद्वयः। सुनो क्या, ये जो चिंटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी भूत है, एक पल में ही कलना करने के कारण उस अद्वितीय अखंडानंद ब्रह्म को हम काल कहते हैं। काल माने जिसमें काल है, कलयताम अस्मि काल है, विभूति योग में भी भगवान कृष्ण ने कहा है। काल शब्द कलना काउंट करते, पूज्य गुरुदेव काल जो टाइम है जो सेकंड है उसके बारे में बड़ा सुंदर बताते थे। सेकंड क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, समय के जो काल की वो इकाई। और ये जो काल है इसका नाम सेकंड है। इंग्लिश लोगों ने भी जिन्होंने शब्द दिया है जरूर विचार करके दिया है, इट इज सेकंड, इट इज नॉट फास्ट। समझ में आ रहा है, सेकंड माने सेकंड द्वितीय, इट इज नॉट फास्ट, इट इज ए सेकंड। वो कैसे कहते हैं, वो कहते हैं देखो वासना जो अज्ञान है, जो वासना है जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के जो थर्ड स्टेप वो काल है। क्लियर? और खुद जो वासना है ना वो भी परमात्मा के थर्ड स्टेप है। प्रकृति मूल है, उसी की जो वासना है वो अपना एक स्टेप है। उसको समझने के लिए गुरुदेव एक एग्जांपल बोलते थे, वो तो बड़ा सुंदर स्टोरी के रूप में बोलते थे। एक समुद्र के किनारे एक जगह बहुत बड़ा टाउन हो, अभी जैसे चेन्नई है, हैदराबाद है, पुरी है,
और मुंबई है, बस कोचीन है, ऐसे तो मैं कुछ कुछ शब्द बोल दिया, और भी बहुत शहर है जो समुद्र के किनारे, इसलिए प्रसिद्ध है घूमने के लिए। कहाँ कहाँ पोर्ट है, खाड़ी है, तो और भी अच्छा लगता है, द्वारका जैसे। ठीक है, तो एक बार मैं प्रवचन के लिए गया था, तो डिवोटीज लोगों ने मुझे खुश करने के लिए, मेरी सुविधा के लिए, जस्ट समुद्र के किनारे होटल्स बनाए। और जैसे पूरी समुद्र है ना, पूरी समुद्र के बहुत होटल्स है, टॉप टॉप होटल्स। आई थिंक आप लोग भी रहे उसी होटल में, पूरी होटल करके एक प्रसिद्ध है, पूरा सामने ही दिखाई देता है, रोड क्रॉस। तो ऐसे ही कुछ होटल में मुझे रखा गया। मॉर्निंग क्लास बहुत देर है, उस टाउन में रखा गया 6 से 7। मैं तो वैसे उठ जाता था 4 से 4:30, 4 बजे, 3:30, 4 बजे। सिद्धगढ़ में भी गुरुदेव जो जल्दी उठ जाता था, अपना लेक मेडिटेशन चिल लेटर सब करते। तो मैं वॉकिंग करने के लिए आया, वहां कोई नहीं है, वहां जो कोहरा है उससे जो बालू है वो साफ है। अब मैं जब घुसा तो मेरा इंप्रेशन पड़ा, पैर का इंप्रेशन, फुटप्रिंट। अब बताओ, मैं पहले पैर रखा, जब मैं पहले पैर रखा, फर्स्ट पैर, ज्यादातर लेफ्ट पैर रहता है, उसमें जब मैंने रखा, क्या फुटप्रिंट निकला? तो कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया, तो कैसे निकला, मेरा तो पैर अभी है, मेरा अभी पैर है, तो फुटप्रिंट कैसे निकलेगा, मेरा पैर जब जाएगा तब निकलेगा ना। हाँ हाँ अंगूर देख, हाँ हाँ ठीक से समझा करके आंसर दो। अच्छा, सेकंड मैंने राइट पैर भी रख दिया, पहले लेफ्ट रखा था, वो जो सीमेंटेड जो पावच है वो था, तो मैंने लेफ्ट रखा, फुटप्रिंट आया नहीं। सेकंड पैर मैंने रखा लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट राइट लेग का, फुटप्रिंट आया नहीं। फिर कब आता है ना, जब मैंने लेफ्ट पैर को उठाया ऊपर करके देन स्टेप दे दिया, तब फुटप्रिंट आया। समझ में आया? हाँ, अर्थ क्या है ना, जब मेरा थर्ड स्टेप होता है तब तुम प्रिंट देख सकते हो, फुटप्रिंट। इसी प्रकार प्रकृति के थर्ड स्टेप में वासना होती। अभी समझ में आया? क्या ब्यूटीफुल वासना, और उसी से काल उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको सेकंड कहा गया। फर्स्ट हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि वो सेकंड में ही अभिव्यक्ति होगी। क्यों? खुद वासना थर्ड स्टेप में आती है, तो काल तो और आगे आ गया था। मगर असली काल कौन है? जो काल हम टाइम कहते हैं वो इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, वो आइंस्टाइनियन थ्योरी ऑफ फ्लक्स, वो काल है। तो टाइम है जिसको बनाया गया हमारे भारतवर्ष में, तो इतना सुंदर बनाया गया, त्रुटि काष्ठा आदि सब बनाया, मुहूर्त सब बनाया, काल के जो इकाई है अंग्रेज लोगों ने बनाया, उसका नाम एक इकाई को सेकंड कहा, फिर उसके बाद मिनट कहा, उसके बाद फिर आवर कहा, फिर उसके बाद 6 आवर्स को या डे को, 12 आवर्स को एक डे कहा, फिर नाइट कहा, फिर दोनों मिलाकर के डे नाइट, फिर 7 दिन को वीक कहा, फिर उसके बाद 15 दिन को फोर्ट नाइट कहा, फिर उसके बाद 30 दिन को 1 मंथ कहा, फिर उसके बाद 6 मंथ्स को क्या कहते हैं कि 1 हाफ ईयरली कहा, हाफ ईयरली स्टेटमेंट देना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट, फिर उसके बाद 1 ईयर कहा, फिर 1 ईयर के बाद फिर आगे बढ़ते 12 ईयर्स को एक बताया, फिर 100 ईयर से ऐसे 100 ईयर्स शताब्दी। तो ये काल है। कहते असली काल कौन है? जे वो काल है परमात्मा, जिसमें काल बताते हैं, काल का अर्थ है कलना होना, जिसमें ये जगत की कलना होती है ना। कलना माने क्या? कल्पना। कलना माने क्या? सृष्टि। कलना माने क्या? स्थिति। कलना माने क्या? लय। तो जिसमें ये 3 अंग होते हैं उस स्थिति को काल कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, आप ना क्या, आप ना बताओ,
आचार्य बोले बता बता क्या डरो मत, आप ना अद्वैतवादी। हाँ यस मैं अद्वैतवादी, इसलिए हर चीज को आप अद्वैत में ले लेते। हाँ यही तो करना रे, सारा जिंदगी भर यही करना। अभी हमसे होता नहीं है ना, होगा बार बार सुनोगे अप्रोक्षानुभूति वशे योग वशे सुनोगे तो हो जाएगा। ये आचार्य कहते देखो कोई भी चिंतन करते करते उस परमात्मा की तरफ ले जाए तो असली काल कौन है, वो परमात्मा जिसमें जगत की कल्पना होती कलनात इति काल। ये जो तुम काल दौड़ रहे हो ना, जो टाइम का सेकंड का, वो तो उस परमात्मा का बच्चे 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 प्रपोत्र पोत्र पोत्र आदि। अच्छा ऐसी बात है ना, अब सुनो क्या आसन के बारे में हम बताएंगे। अच्छा आसन के बारे में बताएंगे, अभी आसन सुनो। सुखे नैव भवेद् यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात्सुखनासनम्। आसन का अर्थ पतंजलि ने क्या कहा देखो, वेदांत में दूसरे ग्रंथ में इतने आसन के बारे में नहीं बताया। हाँ जब ध्यान करना है, वेदांत भी ध्यान को मानता ही है, अभी तो टॉपिक तो यही चल रहा है, नहीं तो आचार्य शंकर ध्यान के अंग इतना क्यों बताएं। ध्यान को मानते हैं, गीता में भी ध्यान योग करके पूरा टोटल अध्याय है, उसके पहले भी है पंचम अध्याय में थोड़ा सा निर्देश है, फिर और है ध्यान परायणा और भी शब्द है। भागवत में तो बहुत ही है, अलग अलग स्कंद में ध्यान के बारे में। अब हम भागवत नवम स्कंद में ले रहे हैं तो कोई भी राजा इतना भोग करता है लास्ट में वही ध्यान करने के लिए चला जाता है और बस अपने मन को उस परमात्मा में लगा देता है। और परमात्मा लगाकर पृथु राजा और भी अनेक जैसे ऋषभ आदि, जो जंगल आग लगती है तो वहां बैठे हैं, आग लगी है सोचे कि यही भगवान की इच्छा है, उठते ही नहीं है वो, अपना शरीर को ऐसे त्याग कर देते। धृतराष्ट्र गंधर ने भी ऐसे किया, धृतराष्ट्र गंधर भी ध्यान में इतने तल्लीन हो गए और जंगल में आग लग गई है कि दोनों ही अंधे हैं, वो तो खुले नहीं है, बस अपने शरीर को उसे आग में डाल दिया। सोचो बहुत राजा लोग ऐसे किए। तो ध्यान तो भागवत में है और उसके बाद गीता तो ही अन्य अन्य ग्रंथ में है, आगम शास्त्र में ध्यान है, भगवान शंकर ने जो बताया वो आगम शास्त्र बोलते हैं, शिव आगम इसलिए शैवागम ग्रंथ वो कश्मीर में है वो सब, अभी आजकल तो नष्ट हो गया और ये कश्मीर फाइल्स देखने से पता चले ये कैसे नष्ट कर दिया हमारे शास्त्र को। अभी ये सरकार के कारण थोड़ा शंकराचार्य के जो मंदिर है ना खुला, मैं तो मिलिट्री के अंडर में था, मिलिट्री बिना परमिशन में देखता नहीं था, इसलिए होता नहीं था, अभी एटलीस्ट दिया। तो अभी दिवाली में बहुत सुंदर सजाया गया, तो मैं गया हूँ देखने के लिए, कश्मीर गया हूँ तो देखा हूँ, पहाड़ के ऊपर मंदिर रामकृष्ण मिशन बहुत सुंदर पड़ा, वहीं रुका था। तो अब ध्यान तो सब ग्रंथ में है, सब दर्शन में है, सब संप्रदाय में है ध्यान, ठीक है। अच्छा ध्यान करने के लिए आसन जरूरत है, नहीं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं आसन का ध्यान नहीं करूंगा, फिर मैं लेटे लेटे ध्यान करूंगा, वो ध्यान नहीं है, वो सो रहे हो, वो ध्यान नहीं है, फिर लय अवस्था में आ जाएगा, बाद में बताएंगे। समाधि में जो विघ्न है वो लय है, लेट नहीं, फिर वो मैंने योगा सीखा था, मैं गया था ना हरिद्वार, मैं नहीं हाँ वो शिष्य बोल रहा, मैं सीखा था। फिर उसमें एक योग निद्रा है, अरे बाबा ये योग निद्रा ऐसे कोई शास्त्र में नहीं है, सिर्फ बताया गया बनाया गया है, तो वहां सो जाओगे अगर तुम अपना लेटे लेटे अपने चेतन को मन को एक्टिव रख पाओगे तो योग निद्रा, ये सचमुच यही है योग निद्रा का अर्थ, जो बताते भी है ना हरिद्वार में तो ज्यादा नहीं है, मुंगेर वालों ने बहुत सुंदर किया, सत्यानंद आश्रम जो हमारे गुरुदेव के गुरु भाई है वो बहुत जूनियर थे, अगर सत्यानंद आश्रम में रुका था लगभग 10 दिन में रुका, वहां ट्रेनिंग भी मैंने लिया, उसमें योग निद्रा का रिसर्च किया,
उसके बाद अभी विवेकानंद रिसर्च सेंटर बैंगलोर, वहां भी मैंने रुका था 15 दिन। मैंने ना जैसे मधुमक्खी होते हैं, एक एक फूल से कुछ लेना है, वो मैंने बहुत कुछ लिया, तभी होता है जीवन में। तो वहां भी योग निद्रा होता है। जो टेक्निक होता है ना, मैं जानता भी हूँ, योग निद्रा में सो करके आपके शरीर को एक अंग को चिंतन करता है, उसमें माइंड एक्टिव रहेगा, नींद नहीं आएगी। अगर नींद हो गया तो फिर निद्रा योग गया, योग का वियोग हो गया। देखो अभी जैसे इलेक्ट्रिक का वियोग हो गया, तो आसनम, तो क्या लेट के आसन कर सकते? ना, मना कर दिया आचार्य ने। तो जो योग दर्शन में आसन का अर्थ क्या है? स्थिरम सुखम आसन, ये छोटा सा सूत्र दिया योग दर्शन। योग दर्शन में स्थिरम सुखम आसन बहुत छोटा, योग सूत्र में 46 में सूत्र में बताया स्थिरम सुखम आसन, अर्थात एक कंफर्टेबल जगह पर तुम बैठोगे। तो उसमें आसन अनेक प्रकार है। आसन एक होता है सुखासन। सुखासन जो ज्यादातर हम लोग जो बैठते हैं, और एक होता है स्वस्तिकासन, एक होता है सिद्धासन, और एक होता है पद्मासन, और एक होता है बद्धासन, और एक होता है वीरासन। ये हमारे हनुमान जी जो बैठे हैं ना, उसको बोलते हैं वीरासन। और एक होता है गोमुखासन, और एक है वज्रासन। वज्रासन मालूम है, भोजन के बाद जो बैठा जाता है, ये सब आसन। और आप लोग जो बैठे हो ना, उसको बोलते हैं चेरासन, चेर आसन। मगर ये इसमें शास्त्र में कोई है नहीं चेरासन, क्यों? उस समय चेयर था ही नहीं, और चेयर में बैठ करके ध्यान करने के लिए नहीं बताया गया। चेयर में बैठ के सिनेमा देखने के लिए कहा गया, सिनेमा देखो मजा करो, मगर ध्यान करके। हम चेयर में जब बैठते ना, ऐसे हो जाता है। सोफा में बैठोगे तो और भी ऐसे हो जाता है, बड़ा बड़ा सोफा, टॉप टॉप सोफा होता है। कोई छोटा सा बच्चा बैठेगा तो वो अंदर घुस जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। उसमें क्या मेडिटेशन करेगा? बैठने के लिए ठीक है, अब हम सोफा में बैठते तो भी हम सुखासन से अर्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं। तो इतने सब आसन बताया, इसमें कोई एक आसन, सबसे हाईएस्ट आसन पद्मासन। जिसने पद्मासन शुरू नहीं किया ना, वो कभी नहीं करना चाहिए बिना गुरु से। एक बार पद्मासन ने अपने लगा दिया, फिर निकलेगा नहीं, हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा, हमारे राजेंद्र हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा। वो निकलेगा नहीं, नट बोल्ट उसका इतना टाइट हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें बिना गुरु से करते नहीं कर सकते। तो ये है सुखासन, सिद्धासन आदि आसन के बारे में। 3 घंटा 30 मिनट अगर बिना हिलचिल करके कोई बैठा, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। कहीं कहीं 1 घंटा भी मान जाते हैं, मगर शास्त्र में लिखा है 3 घंटा 30 मिनट अगर एक साथ बैठ करके करोगे तो आसन सिद्धि। ठीक है, अब ये सब बताया पतंजलि योग दर्शन में, अन्य अन्य सब है शिवा शैवागम आदि में। और आचार्य कहते देखिए ये सब ठीक है, प्रारंभिक है, बढ़िया है, बाला नाम साधका नाम, मगर आसन किसको कहते हैं सुनो। जिस अवस्था में सुख पूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो, उसी स्थिति को आसन कहते हैं। अर्थात तुम आसन में बैठे हो और तुम्हारा मन कहीं दूसरा में चाह रहा है, तो वो सुखासन सिद्धासन नहीं है। जिस अवस्था में तुम ब्रह्म का चिंतन कर पाते हो, सुखे नहीं भवेद यस्मिन अजस्रम ब्रह्म चिंतन, तुम अगर ब्रह्म का चिंतन कर पाते हो तो जानना कि वो ही सुख आसन है और वो सर्वश्रेष्ठ आसन। उसमें से एक श्रेष्ठ आसन है सिद्धासन। अब सिद्धासन की परिभाषा भी आचार्य बता रहे, कहते सिद्धासन तुम पसंद करते हो ना? हाँ, बिल्कुल पसंद करते हो, सिद्धासन बहुत बढ़िया है। सुनो अभी सिद्धासन क्या है। 1 1 3
सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनं विदुः। देखो सिद्धमन अधिष्ठान, सिद्ध आसन एक आसन है जो कि अधिष्ठान रूप है। इसलिए आचार्य तो जो अर्थ बताएंगे वो कहीं ना कहीं परमात्मा का परक होगा। भागवत में नवम स्कंद के अधि बताते हुए स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं, और बात भी सही है, वही राजा गुरुमुखी है। गुरुमुखी माने गुरु के शरण में, गुरु सेवा। जैसे दिलीप बाजी, दिलीप बाजी बस गुरु वशिष्ठ ने कहा वो पालन करने लगा, गुरुमुखी बोलते। उसी से ही हम लोग गुरुमुखी बोलते हैं ना, पंजाब में एक शब्द है गुरुमुखी। कुछ लोग हैं जो वैराग्य परायण, वैराग्य। कुछ लोग हैं जो ज्ञान परक, चिंतन। कुछ है भक्त परायणा, और जो भी है वो सब अल्टीमेटली ईश्वरोन्मुखी। गुरुमुखी से कहां जाना है? ईश्वरोन्मुखी, ईश्वर परायणा, ईश्वर अनुवृत्ति। ये इसी प्रकार यहां पर भी आचार्य कुछ भी बताते हैं, आसन प्राणायाम सिद्धासन मूलबंध यम नियम वो सब ब्रह्मानोन्मुखी, ब्रह्मोन्मुखी कर रहे हैं। कहते ये जो जगत है ना, हाँ, ये जो भूत है चिंटी से लेकर के ब्रह्मा, उसका जरूर कोई आदि कारण होगा। आपने ये आदि कारण क्यों बोल दिया गुरुजी, बताइए? ये है बेटा, क्योंकि कोई ना कोई किसी का कारण रहता है। जैसे ये शरीर है, इसका कारण है पंचमहाभूत। पृथ्वी तत्व का कारण है जल, जल का कारण है अग्नि, अग्नि का कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश, आकाश का कारण है अहंकार, अहंकार का कारण है महतत्व। ये हो गया ना कारण, मगर अल्टीमेटली जो आदि कारण है वो जो ब्रह्म है, आदि कारण। विश्व का जो अविनाशी अधिष्ठान है उस स्थिति में रहने को सिद्धासन कहते हैं। खाली तुम पैर को सीधा करके बैठ जाओगे सिद्धासन, ये तो ठीक है स्टार्टिंग के लिए, और तुम्हारा मन परमात्मा में जब अधिष्ठान में लग जाएगा उसको तुम सिद्धासन कहते। बड़ा सुंदर बताया। अब सिद्धासन के बारे में आचार्य ने भी अलग अलग नाद अनुसंधान, अलग अलग बिंदु, उपनिषद बिंदु में भी बताया। सिद्धासने स्थित योगी मुद्रम संधार्य वैष्णव श्रुणुयाद वीक्षणे कर्मे नाद अंतर्गतम सदा। सिद्धा साधक को सिद्धासन में बैठ करके वैष्णव मुद्रा ग्रहण करना है, और अनाहत ध्वनि को कान से उसका गूंजना चाहिए। अनाहत ध्वनि, एक होता है आहत ध्वनि जो शब्द सुनाई देता है, और एक होता है अनाहत ध्वनि जो शब्द सुनाई नहीं देता है। जैसे अजपाजप कबीर इसको बहुत ध्यान देते हैं, और अनपायनी योग, अनपायन योग, अनापनि सती योग बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध देव ने भी कहा अनापनि सती योग। सब जब हम बहुत डिटेल पढ़ते हैं अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग दर्शन, तब उनके अलग अलग टेक्निकल देते हैं। चीज वही है घूम फिर करके, और दे रहे हैं फल। तो क्या होता है, जो साधक है वो नए शब्द में अट्रैक्ट होता है। आप अभी भी देखो ना, सरकार भी आता है पहला काम क्या करता है, सब नाम चेंज कर देता है। लगता है कि हाँ इस सरकार ने कुछ किया, क्यों नाम चेंज करना चल रहा है यूपी में बहुत नाम चेंज हो रहा है। तो यहाँ उसी समय भी ये जो शब्द का प्रवाह, ये नियम है, तो चेंज कर देते अनापनि सती। फिर अलग अलग धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म शब्द अलग कर दिया, तो साधक को बना करके अनाहत ध्वनि सुनना है, इस तरह का नाद करके अभ्यास करना है। ये है सिद्धासन का प्रयोजन है।
सिद्धासन से क्या होता है, अभ्यास करने के लिए मौका मिलता है। ठीक, सिद्धासन के समान उपयोगी कोई आसन नहीं। एक श्लोक है, नासनम सिद्धा सदृशम न, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक समान कोई प्राणायाम नहीं है, खेचरी समान कोई मुद्रा नहीं है, खेचरी मुद्रा होता है, और मन का लय के समान साधकों को नादानुसंधान की तुलना करने वाला कोई साधन नहीं है। नासनम सिद्धा सदृशम न कुंभकम समान बलम न खेचरी समान मुद्रा न नाद सदृशो लय, इस प्रकार के बताया। ठीक, तो सिद्धासन क्या होता है ना, जब हमारा उस परमात्मा जो सिद्ध स्वरूप है, इसलिए कहते हैं ना सिद्ध बाबा, अब एक टीवी में भी आता है सिद्ध बाबा, तो जो भी हो उसका अर्थ क्या है वेदांत के अनुसार, हमारे आचार्य शंकर के अनुसार, वो जो सिद्धि है ना, वो स्थिति है, जो अवस्था है, वो जो आदिकरण अधिष्ठान है, ब्रह्म अधिष्ठान, वो है सिद्धासन। अर्थात कोई भी शब्द को वो घुमा फिरा कर वहां ले लेता, कहते हैं वो चिंतन करो, उस चिंतन में ही तुम्हें अल्टीमेटली आनंद है, बाकी में कहीं फंसने का चांसेस है, बाकी जो आसन है ना उसी में पड़े रहोगे, और एक बार उस परम चिंतन, परम तत्व का चिंतन के अधिष्ठान ब्रह्म का, फिर तो और खींचने का नहीं है। वो जो लुड्डू होता है ना, क्या बोलते हैं, सांप और सीढ़ी, तो आप उसने शुरू किया, मजा आया, बड़ा, फिर बढ़ा, फिर देखो वो 92 तक आ गए, खुश हो गए, आपने डाला तीन आ गया 95, बस वहां एक बहुत बड़ा अजगर सांप था, उसी से फिर खिसक करके दो नंबर में आ गए। तो कहते ये जो बाकी सब आसन है, बाकी सब प्राणायाम है, बाकी सब साधना है, बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है, फिर कहीं ना कहीं खिसक के आ जाता है, और जब एक बार 100 आ गए, हाँ 100 है ना, एक बार 100 आ गए तो फिर और नीचे गिरने का चांस नहीं है, और सीढ़ी का भी आवश्यक नहीं है, और सांप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको हैरान नहीं करेगा, उस स्थिति में 100 आ गया, जीत गया। ऐसे ही तो उस स्थिति में तुम पहुंचो। अभी आचार्य कहते सुनो, अभी मैं तुम योग वाला योग करते हो ना, हाँ मूल बंद करते हो ना, करता हूं, क्या होता है मूल बंद, ऐसे करके डांटा आचार्य, मूल बंद क्या होता है ना, जब आसन में बैठते हैं ना, हाँ वो बैठ करके अपने जो एड़ी है, वो एड़ी जो मल द्वार में रह करके फिर उसके ऊपर डाल करके अपने खींचना ऊपर को, उसको मूल बंद कर, ठीक, इसका अर्थ तुम करते हो, तुमको पता है, ये तो ठीक है शरीर के दृष्टि से तुम मूल बंद कर रहे हो, असली मूल बंद जानना चाहते हो, हाँ जरूर जानना चाहते हो, आपके वेदांत क्लास आए हैं, मैंने जरूर जानेंगे, तो बताइए, सुन 114 में यन्मूलं सर्वभूतानां, यन्मूलं चित्तबन्धनम्, मूलबन्ध सदासिव्यः, योगसौ राजयोगिनः। मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बताइए गुरु जी, तुम अपना जो भी साधना करते हो ना, ना तुम अपना साधना मैकेनिकल मत करो, फिर तुम उसको वेदांत चिंतन में डालो ना, कैसे डाले आप थोड़ा सिखाइए। अरे बाबा शब्द सुन लिया तुम, कर क्या रहे, मूल बंधा ना, तो दो कितने शब्द है ना, मूल और बंधन, चिंतन करो उसको, मूल क्या होता है, बंधन क्या होता है, चिंतन करो, देखो लिखा हुआ क्या होगा, आचार्य कहते हैं जो सर्वभूतों का मूल है, मूल माने रूप, ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, मूल रूट सबका आदि कारण मूल, अच्छा इसे अर्थ लेना है, हाँ और सुनो, और सेकंड शब्द क्या है, बंध, बंधन माने क्या है, बंधन करना, स्थिर होना, टाइट में रहना, हाँ हाँ,
तो तुम्हारा मन जब उस परमात्मा में स्थिर हो गया ना, वो बंधन हो गया। अच्छा ऐसे है, बाकी तो बंधन है, संसार का बंधन है, वो बंधन नहीं। तुम्हारा मन जब परमात्मा में लग जाता है वो बंधन है। तो मूल बंधन माने परमात्मा में तुम्हारा चित्त जब लग गया उसको कहते हैं मूल बंधन। देखना, यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबंधनम्, जिसके आश्रय से तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाता है उसको मूल बंधन कहते हैं। यही असली राजयोग है, ये राजयोगियों का योग है, इसको तुम करो। अच्छा आपने बताया, सुंदर बताया, फिर आज और कुछ सुनोगे और आगे बढ़ेगा ना, बताइए ना। सुनो, अब है समता। समता कैसे कहते, ये देखो ये योग दर्शन में मूल बंधन है, मगर ये समता ऐसे शब्द नहीं है, दूसरे अलग शब्द में नाम है, इंद्रियों के समता, मन के समता आदि शब्द है। तो यहाँ पर समता का अर्थ ले रहे हैं, अंगानां समतां विद्या, समे ब्रह्मणि लीयते, नो चेन्नैव समानत्वम्। ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्, सुनो, समता माने निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। तुमने गीता पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा, देखो याद करो, मेरा भाष्य भी पढ़ लेना, आचार्य कह रहे हैं ना, भाष्य भी पढ़ लेना। ब्रह्म उसको कहते हैं जो सम है, ब्रह्म उसी को कहते हैं जो सम है और वो निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, अर्थात जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाता है ना, और समस्त अंगों का समता समझना चाहिए, उस समय इंद्रिया लीन। ये कैसे करेंगे, देखो हम तुझे मेथड बता दें। क्या, तुम जब बैठ जाते हो ना, तुम्हारा जो अंग है, समस्त जो बाकी अंग है, वो अंग को पहले समान करना है। सिद्धासन में बैठे, मूल बंधन में बैठे, तो अंग समान करके समस्त अंग को तुम प्राण में लीन करना। फिर जो प्राण है उसको लीन मन में करना है, और जो मन है वो लीन परमात्मा में करना, इसको कहते हैं समता। तो वो तुम अपना समता, अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों का निश्चित निश्चित लता का नाम समता नहीं है। अब तुम बैठ गए, अब सुना तुमने कि 3 घंटा अगर बैठ गए तो इसको सिद्धासन कहते हैं, आसन सिद्ध कहते हैं, तो तुम अपने को जबरदस्त कर रहे हो, मगर मन भाग रहा है, उसको नहीं कहते। तुम्हारे मन भी उसी परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए, उस समता में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं ये कर्मयोग, ये सांख्य योग के नियम है। तुम्हारा मन जब सुख दुख जय पराजय लाभ और अलाभ में समान रहे, समता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ना तुमको कर्म करना पड़ेगा। समत्तम योग उच्चते, भगवान ने योग की परिभाषा भी बताई, समत्तम योग उच्चते, वो तुम करो। अच्छा, भगवान कहते सिर्फ शरीर के ही, आचार्य शंकर कहते हैं तो शरीर के ही तुम अचल बना दिया, वो समता नहीं होगा। अच्छा और क्या, सुनो, तुम जब ध्यान करने के लिए जाते हो, हाँ, तो तुम्हारी जो आंख की जो दृष्टि है वो ऐसे एकटक रखते हो कि नहीं? हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत योग जो आश्रम है, जो संस्था है, योग को ध्यान देते हैं, वो लोग कहते हैं कुछ महीना तक तुम और आंख बंद मत करो। अच्छा, देन आंखें केवल देखते रहो, और जो नाक है ना तुम देखते रहो। तो बोलेगा मेरा तो नाक बड़ा नहीं है, जिसका नाक बड़ा है वो अच्छा होगा। जापानी लोग ध्यान नहीं कर सकते, चाइना लोग, क्योंकि उनका नाक बहुत छोटा है। जिसका बड़ा बड़ा नाक होगा, अफ्रीका वाले बहुत, उनका नाक भी बड़ा है और जो ओठ भी बड़ा है, और वो लोग ना ओठ को बड़ा बड़ा करते हैं जानबूझ के। हाँ, और कहीं पढ़ा,
वो लड़कियां लोग भी करते हैं, बड़ा बड़ा वो तभी होगा। ऐसे तो जिसका बड़ा नाक होगा वो ध्यान कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। और कोई कोई नाक रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते? बड़ा हो जाएगा तब तो मैं ध्यान कर सकता हूँ। आचार्य हंस रहे हैं, ये नहीं है। सुनो क्या पढ़ते हैं, दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयं जगत सा दृष्टि परमोदारा ननासाग्रावलोकिने। मुझे याद है सिद्धवड़ी में जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे आचार्य जो हमें ध्यान सिखा रहे थे तो वो ये बताते थे, इस श्लोक को बहुत बोलते थे, इसलिए मुझे ये मेरे लिए फेमिलियर श्लोक। इस श्लोक को बोलते थे, ये तुम नाक को रगड़ने वाला नहीं है, ये नाक को देखने वाला नहीं है, नाक को अग्रवाल अग्रभाग को बहुत लोग कर नासिकाग्र स्वम पंचम अध्याय में भी है, नासिकाग्रम स्वम दृष्टि अवलोकन, ये नहीं है, ये स्टार्टिंग में है। क्योंकि तुम्हारा मन को स्थिर करने के लिए, तुम्हारा आंखों को स्थिर करने के लिए, नहीं तो आंखें इधर उधर जाएगा, तुम्हारा सिर भी घूमेगा, इसलिए तुम नाक के नोक पर देखना है। ये बताया गया, ये अर्थ नहीं है कि नाक को देखना, इसलिए यहां पर मना कर दे उसके, बल्कि नाक को देखोगे तुम्हारी आंख भी दुखेगी और नाक भी मुश्किल होगी। अच्छा, भगवान अगर ध्यान करने का मेथड नाक करते तो भगवान सबके लिए समान नहीं बनाते। अब चाइना लोगों को नाक छोटा क्यों कर दिया? वो लोग तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, वो नहीं है, वो लोग भी ध्यान करते हैं। चाइना में भी ध्यान के सेंटर से, जापान में भी है, जेन मास्टर लोग है, वो लोग तो जेन माने ध्यान से ही जेन आया। जो जेन है ना वो शब्द ZEN जेन, ध्यान से ही आया। तो उसमें ये नाक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मगर एग्जाम्पल बताना पड़ता ना। अभी चंद्र शाखा न्याय, अब चंद्र शाखा न्याय वेदांत में है लक्षण। अब कोई बॉम्बे या बड़ा बड़ा शहर गया, बिल्डिंग में रहा, अभी ध्यान करना क्यों? गुरु ने कहा था चंद्र शाखा न्याय, मुझे अभी शाखा भी देखना है और चंद्र को भी देखना है, तभी मैं चिंतन करूंगा, ऐसे नहीं होता। इसलिए यहां पर क्या कहते हो, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा, तुम्हारे दृष्टि ज्ञानमय करो, तुम्हारा विजन जो दृष्टि है वो ज्ञान, हर चीज में ज्ञान ज्ञान, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चित ब्रह्ममय जगत, ये जगत को तुम ब्रह्म के रूप में देखो, वही ही असली आंख की दृष्टि, यही ही नासिका की दृष्टि। तो गुरु जी कहते देखो आज इतना रहने दो, फिर कल मैं तुमको और इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्राणायाम, तुम प्राणायाम करते हो? मैं करता हूँ। अब मैं बताऊंगा प्राणायाम का अर्थ क्या है, वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।